मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली का विरोध करते हुए नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि परिषद द्वारा देश के सभी प्रांतों और जिलों के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पुस्तकालय के माध्यम से शैक्षणिक कार्य शिक्षण संस्थाओं में किया जा रहा और सेमेस्टर प्रणाली लागू होने की वजह से छात्रों को विभिन्न तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसका पूरे देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विरोध करती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कहा, परिषद प्रणाली वापस लो। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो। विद्यार्थी परिषद जिलाधिकारी महोदय, विषय सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली के विरोध के संबंध में निवेदन इस प्रकार से है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही देश एवं छात्र हित में कार्य करने वाला एक जागरूक संगठन होने के नाते समय समय पर विभिन्न प्रकार की आयोजन करते रहते हैं। आर्थिक लाभ के कारण छात्रों के ऊपर सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली थोप रही है, इसके वजह से विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निवेदन करती है कि किसी भी शिक्षण संस्थान, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली लागू न की जाए। कुमारी प्रिया सिंह, किस मामले को लेकर आज आपने किसको? सेमेस्टर प्रणाली के लिए। क्या है पूरा मांग? पूरा मांग ये है कि मतलब विश्वविद्यालय में या कोई भी जिले प्रांत में जो हम लोगों का मतलब सेमेस्टर प्रणाली है, इसको लागू ना कराया जाए और जिसको पूरे छात्रों पे थोपा जा रहा है ये सेमेस्टर प्रणाली को लेके, ये कभी ना किया जाए, जो कि छात्रों के मतलब ये अपने आर्थिक लाभ के लिए जो कि छात्रों के ऊपर थोपा जा रहा है। श्रीमान भदौरिया, प्रांत संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थी परिषद पूरे देश में सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली का विरोध कर रही है। सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली के कारण क्या है कि 24 घंटे छात्रों को सिर्फ परीक्षा, इसके अलावा ना तो कोई क्लास में क्लास चलेगी ना पढ़ाई होगी। 24 घंटा शिक्षक और वहाँ के कर्मचारी जो है सिर्फ परीक्षाएँ कराएंगे। और इस सेमेस्टर प्रणाली से क्या है कि जब हम देखते हैं कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में वहाँ के मैनेजमेंट द्वारा छात्रों का शोषण होता है और शिक्षक जो है मनमानी करते हैं, जिसको इच्छा होता है उसको पास करते हैं, नंबर देते हैं और नहीं तो वो फेल कर देते हैं। और सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली के कारण जो है जो शिक्षक और प्रोफेसर हैं वो अपने अपने चहेतों को टापर्स बनाएंगे और अन्य छात्रों का शोषण करेंगे। ये जो सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली है इसका जो है मेन उद्देश्य है कि लोग चाहते हैं, शिक्षण संस्थान चाहते हैं, विश्वविद्यालय महाविद्यालय, कि हमको पैसा मिले और पैसा की फंडिंग के कारण सिर्फ सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली लागू हो रही है। विद्यार्थी परिषद का विरोध कर रही आज पूरे देश के सभी जिलों में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से संबंधित वहाँ के शिक्षा मंत्री जहाँ जहाँ जिस प्रांत में जिस स्टेट में है उनको ज्ञापन जाना और पूरे देश में हम जो है शिक्षा प्रणाली प्रक्रिया का विरोध करते हैं। और शिक्षा प्रणाली से कोई फायदा नहीं है। 24 घंटा आदमी छात्र पढ़ाई करेगा या परीक्षा देगा, पूरा साल में 6 महीना तो परीक्षा में चले जाएंगे, 6 महीना तो 3 महीना छुट्टी रहेंगी, 3 महीना क्लास चलेंगे, तो इससे बढ़िया है कि सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली बंद हो। भारत में सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली नहीं थी तो क्या यहाँ इंजीनियर और डॉक्टर और वैज्ञानिक पैदा नहीं हुए? क्या यहाँ सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली नहीं थी तो क्या यहाँ इस देश की शिक्षा व्यवस्था किसी देश से, दुनिया के किसी देश से कमज़ोर थी? हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर थी और आज भी है। आज पूरी दुनिया में जो छात्र भारत से पढ़ के निकलते हैं वो पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली बंद होनी चाहिए। अगर वो लागू होती है तो हम उसका विरोध करेंगे।